हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं लेट्स गो हेल्दी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 7 ब्रेकफास्ट रेसिपीज जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ये इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपीज होंगी एंड ये बहुत ही इजी हैं प्रिपेयर करने के लिए। आपको इनको प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 5 मिनट रिक्वायर्ड हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये ब्रेकफास्ट आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और इनको आप 7 डेज के लिए कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बिकॉज ये 7 रेसिपीज हैं और आप इन्हें किसी भी सीजन में फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 7 ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक जो हमारा रहता है उठने के बाद, वो होता है गर्म पानी में एक नींबू को स्क्वीज कर लीजिए और साथ में उसमें आप डाल सकते हैं पिंच ऑफ काली मिर्च का पाउडर और पिंच ऑफ दालचीनी का पाउडर, दैट इज सिनेमन पाउडर। ये वाटर आपके बॉडी को बहुत ही हाइड्रेट करता है, प्लस आपकी बॉडी में से एक्सेस ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन को रिमूव करने की बिल्कुल कोशिश करता है। 15 से 20 मिनट बाद अगर आपको बहुत ही क्रेविंग है चाय या कॉफ़ी की, तो आप ले सकते हैं 1 कप चाय या फिर 1 कप कॉफ़ी, बट प्रेफर कीजिए विदाउट शुगर। बट अगर आपको शुगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करती हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आपको नहीं लेना है टी या कॉफ़ी, तो आप इन 3 टी ऑप्शंस में से कोई भी टी ले सकते हैं, पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी या फिर एप्पल सिनेमन टी। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी क्या है, रायता विद फ्रूट्स। आप लो फैट दही यूज कर सकते हैं इसको रायता प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो आप नॉर्मल घर में बनाया हुआ दही भी यूज कर सकते हैं। दही को अच्छे से फेंट लीजिए और इसमें डालिए कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट। आप अनार डाल सकते हैं और अनार रायता प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एप्पल चॉप के डाल सकते हैं तो ये एप्पल रायता प्रिपेयर हो जाता है, नहीं तो आप घिया भी डाल सकते हैं। घिया को बॉइल कर लीजिए और उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए और आप उसको फिर अपने रायते में ऐड कर लीजिए स्ट्रेन करके। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ब्रेकफास्ट का ओट्स विद फ्रूट्स। अब ओट्स अकेले खाने बहुत ही मुश्किल लगते हैं, तो इसीलिए आप ओट्स में फ्रूट्स डालिए और इसको बहुत ही यमी और डिलीशियस बना लीजिए। पहले ओट्स को रोस्ट करके उसमें 1 कप पानी डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह से कुक कर लीजिए। जब पानी पूरा सोक कर ले ओट्स, तो इसमें आप डालिए 1 कप बादाम का दूध या फिर आप लो फैट स्किम मिल्क भी डाल सकते हैं और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए और इसमें आप डालिए अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट्स। समर सीजन में मैं प्रेफर करती हूँ इसमें चॉप मैंगो डालना और नॉर्मली आप डाल सकते हैं बनाना। हाई इन पोटेशियम और बहुत ही अच्छा है हमारी फ्लैट बेली के लिए। भाई देखते हैं हमारा 3rd इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी ऑप्शन फॉर वेट लॉस, राजमा सैलेड। ये बहुत ही डिलीशियस ऑप्शन है उनके लिए जो कुछ नमकीन खाना प्रेफर करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। राजमा को बॉईल करके रख लीजिए 1 कुकर में और इसमें आप डाल सकते हैं कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और सीजनिंग के लिए आप डाल सकते हैं 1 नींबू पीस्ड, दैट इज नींबू का जूस और काली मिर्च का पाउडर। आपको इसमें नमक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राजमा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही रेगुलेट करता है और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो ज़रूर प्रेफर कीजिए राजमा सैलेड। 4th ऑप्शन है सोया मिल्क विद फ्रूट। अब जिन्हें हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रेफर कर सकते हैं सोया मिल्क। मैं प्रेफर करती हूँ सोफिट का सोया मिल्क, ये मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है। आप सोगुड का भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, बट प्रेफर कीजिए कि वो फ्लेवर्ड ना हो और वो प्लेन रेगुलर मिल्क हो। और उसके साथ आप ले सकते हैं 1 एप्पल, थोड़े से नट्स या फिर 1 बनाना भी और एंजॉय कीजिए अपना सोफिट सोया मिल्क। 5th ब्रेकफास्ट ऑप्शन है फॉर वेट लॉस उनके लिए जिन्हें ऑफिस जाना होता है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए कोई भी ब्रेकफास्ट, दैट इज फ्रूट स्मूदी। आपको इसके लिए क्या करना है, किसी भी 2 फ्रूट्स को रात को फ्रीजर में रख देना है फ्रीज करने के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ 1 बनाना और उसके साथ या तो मैंगो या फिर वाटरमेलन या फिर एप्पल या फिर पीच, और आप इसे सुबह एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए थोड़ी सी दही के साथ और थोड़ा सा पानी लेके। इसमें कोई भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत शुगर होती है और ये बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। इंजॉय कीजिए अपनी फ्रूट स्मूदी। आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं अगर आपको दही नहीं अच्छा लगता तो। 6th ऑप्शन है वेज मल्टीग्रेन ग्रिल्ड सैंडविच। इसे प्रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए, इसमें आप ऐड कीजिए थोड़ा सा बंधा हुआ दही और उसके
ऊपर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर लीजिए। उसके ऊपर आप डालिए कटा हुआ खीरा, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर। अगर आपके पास लेटिस अवेलेबल है फ्रेश तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसे आप ग्रिल कर लीजिए 1 मिनट के लिए। और ये बहुत ही डिलीशियस सैंडविच बनता है। आपको इसमें सॉल्ट आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं फील होगी, बिकॉज बंधा हुआ दही दैट इज हंग कर्ड काफी खट्टा होता है नेचर में। और ये बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन प्रिपेयर होता है। 7th और लास्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ओट्स या मल्टीग्रेन परांठा। अब हम इंडियंस हैं तो हमें परांठा रिक्वायर्ड होता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीग्रेन आटा लेंगे। मैं प्रेफर करती हूँ ओट्स आटा, या फिर आप ब्रैन आटा भी ले सकते हैं, या फिर आप इन तीनों आटे का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इसमें आप डालिए कटा हुआ कैप्सिकम, कटा हुआ अनियन, और साथ ही साथ इसमें डालिए काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपको नमक डालना है तो आप हमेशा पिंक हिमालयन सॉल्ट ही यूज कीजिए, दैट इज सेंधा नमक। और थोड़ा सा पानी लेके इसको आटे को गूंद लीजिए और इसका पतला पतला परांठा तवे पे प्रिपेयर कीजिए और इसको खाइए बिल्कुल आधा चम्मच देसी घी के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन बनता है उनके लिए जिनको पराठा खाना बहुत ही जरूरी होता है। और एंजॉय कीजिए अपने डिलीशियस 7 ब्रेकफास्ट ऑप्शंस फॉर वेट लॉस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लेट्स गो हेल्दी, और आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी वॉच कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट ऑलवेज।